अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नाइट क्रीम, होममेड नाइट क्रीम जो कि नेचुरल चीज़ों से बनाई जाएगी, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे तो खैर फेयरनेस के लिए हम जो है महंगी महंगी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता है, केमिकल होता है। उस वक्त तो हमें जो है वो जो रंग गोरा गोरा हो रहा होता है, ग्लो आई होती है चेहरे पे, वो हमें बहुत अच्छी लग रही होती है। लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है कि आप जब तक नाइट क्रीम लगाते रहेंगे तो ठीक है, आप जैसे ही छोड़ देंगे तो जनाब आपका चेहरा वापस ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर कोई जो है वो इतनी महंगी महंगी क्रीमें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना एक DIY क्रीम आपके साथ शेयर की जाए, जो कि मैं खुद भी लगाती हूँ, खुद अपने लिए भी बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बाउल, और इसके अंदर हमें चाहिए सबसे पहले एक चम्मच ऑरेंज पेल पाउडर। ये मैंने घर पे खुद बनाया है, आप इसकी देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर है। मैंने जो है माल्टे के जो छिलके होते हैं उसको खाने के बाद फेंका नहीं, उसको जो है जो ताज़ा छिलके थे उन्हीं को मैंने क्रश किया कद्दूकश के साथ, और फिर मैंने उसको धूप में सुखाया तकरीबन 4-5 घंटे, और उसके बाद वो ड्राई हो गया और मैंने उसको ग्राइंड करके बना लिया। आप चाहें तो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, वरना आप घर में भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल वो वाली बात नहीं है। उसके बाद हमें इसे चाहिए एक ही चम्मच, हमें इसके अंदर चाहिए एलोवेरा जेल, ठीक है, अगर आपके पास फ्रेश है तो ठीक है, वरना आप बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल, ठीक है। और थर्ड इंग्रेडिएंट हमें इसमें चाहिए ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन, वो भी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया, अब इन्हें करेंगे अच्छे से मिक्स तीनों चीज़ों को। और इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन को ब्राइट और फेयर करने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करेगा, वो है जी ड्राई मिल्क। जी तो ड्राई मिल्क भी इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 ही चम्मच। अब आपने इसका बना लेना है अच्छे से पेस्ट। जी तो ये देखें पेस्ट बनकर हो गया है हमारा रेडी अच्छे से, सारी चीज़ों को मैंने यकजान कर लिया है, और ये एक ज़बरदस्त सी फ्रेग्रेंस वाली आपकी नाइट क्रीम, फेयरनेस नाइट क्रीम जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये मैंने थोड़ी सी लिए बनाई है क्योंकि जो हम नेचुरल चीज़ों से कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, तो वो जस्ट उसकी सेल्फ लाइफ जो होती है ना, वो होती है 7 डेज़, ठीक है। 7 डेज़ के बाद आपको दोबारा से फ्रेश बनानी होती है, तो इसलिए मैंने इतनी क्वान्टिटी में बनाई है जो कि मेरी 7 दिन चल जाए, ठीक है। ये आपकी बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले अपने चेहरे को वॉश करें सिंपली, और उसको ड्राई करें उसको, और उसके बाद जो है आपने ये जैसे हम नाइट क्रीम लगाते हैं, आप कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं, ऐसे इसको लगा के हल्का हल्का आपने जो है इसको, ठीक है, आप सिर्फ एक बार इसको बना लें, ये 7 दिन चलेगी, आप सिर्फ एक बार इसको बना के 7 दिन इस्तेमाल करके देखें, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से हल्का हल्का मसाज करना है, उसके बाद ये आप छोड़ देंगे इसको, और इसको पूरी रात लगा रहने दें, और सुबह आप वॉश कर लें। आप यकीन माने आपके चेहरे पे फेयरनेस के साथ साथ ग्लो भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें जो ऑरेंज पेल पाउडर है ना, वो हमारी स्किन के लिए अमेजिंग है। उसके तो इतने इतने ज़्यादा बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती, इस कदर है, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद आपने जो है इसको छोड़ देना है, इसे बनाएं, इस्तेमाल करें, और फिर कमेंट बॉक्स में आकर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें।